गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद सैम। सो गाइज, आज मैं आपके साथ बालों से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं इसमें एक हिना, अगर आप हिना यूज करते हैं, आपके वाइट जो के हेयर्स हैं वो थोड़ा व्हाइट होना स्टार्ट हो गए हैं, या फिर आपको अपने शाइन लाने के लिए बालों में अगर आप किसी तरह का केमिकल ना यूज करके एक सिंपल वे में हिना का यूज करते हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है। पर अगर आप किसी तरह केमिकल यूज करते हैं और हिना यूज नहीं करते तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी यूजफुल होने वाला नहीं है। तो जो लोग हिना का यूज करते हैं, मीन्स मेहंदी का यूज करते हैं अपने हेयर्स के लिए, उनके लिए एक मैं बहुत ही अच्छी हिना का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, पहले मैं हिना अपने बालों में जो है हाइलाइट्स में करवाती हूँ, पर मैंने कभी पूरे हेयर्स पे कलरिंग नहीं करवाई है, किसी केमिकल का यूज नहीं करवाया है। तो मैं हमेशा मेहंदी का यूज करती हूँ, तो मैं हमेशा सिंपल मेहंदी का यूज किया करती हूँ। पर अभी मेरी ही एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर हम ये वाली मेहंदी लगाऊं, क्योंकि मैंने उसके हेयर्स देखे तो उसके हेयर्स का जो कलर था काफी डिफरेंट लगा मुझे अपने हेयर से, और मैं सिंपल जो हिना यूज करती हूँ तो उससे मेरे जो कलर है वो रेड रेड सा और अजीब सा हो जाता था कलर। पर जब से मैंने ये वाला यूज किया, मैं दो बार बालों में लगा चुकी हूँ, तो आप मेरे बालों का कलर देख सकते हैं। इवन मेरे कुछ बाल व्हाइट भी हैं आगे के, उनका कलर भी आप देखे, कुछ अलग सा कलर आया मेरे हेयर्स में, तो मुझे काफी पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। सो गाइज, ये वाली ब्राइट हिना करके एक मेहंदी आती है, मैंने इसको यूज भी किया, तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, कटा हुआ पेपर। तो ये इस तरह की पैकेट में आती है, और गाइज ये मैंने लोकल शॉप जो आपके आसपास हो पता कर सकते हैं, पर मुझे ये यहाँ पे नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिली। ब्राइट हिना करके जो ये नाम है इसका, ये मुझे अमेजोन पे दिखाई दी, तो आप इसको ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता भी है, 30 रुपीज इसका प्राइस है। और जो इसको यूज करने के बाद, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ हिना डाला, ये हिना डाली मैंने एक बाउल में, और मैंने रात को भिगा के रख दिया था लोहे की कढ़ाई में। लोहे का बर्तन है मेरे पास, बाउल टाइप से, अगर बस कढ़ाई हो तो आप यूज कर सकते हैं। तो यार गाइस, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी मेहंदी यूज करते हैं तो हमेशा उसको लोहे के बर्तन में अगर आप यूज करते हैं तो उसका जो जो आप पे कलर आता है हेयर से बहुत अच्छा आता है। तो मैं सिर्फ गाइस हिना डाला, पानी डाला थोड़ा सा उसमें, और थर्ड चीज में उसे मस्टर्ड ऑयल। तो गाइस, मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ क्योंकि बाल जो है मेरे बहुत ज्यादा रफ है, आप देख सकते हैं काफी रफ और हार्ड हेयर्स है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं हिना लगाती हूँ तो मेरे बाल ऐसे और ज्यादा रफ हो जाते हैं, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लेते हैं, एक ढक्कन या एक दो स्पून, तो आप देखेंगे जब आप वॉश करते हैं आपके बाल बहुत सिल्की भी हो जाते हैं, नरिशमेंट भी हो जाता है, तो आपके बाल बिल्कुल भी वैसे रफ नहीं होंगे उससे। सो गाइज, ये है ब्राइट हिना, मैं इसके बारे में बताई थी। तो गाइज, ये है ब्राइट हिना जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज की, 30 रुपीज का प्राइस है, और इसका जो कलर आया है, बस इसके बारे में यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप इसको ट्राई करते हैं एक बार तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरा जो बस मेन रिव्यू यही था कि इसे जो कलर आया मेरे हेयर्स का काफी डिफरेंट आया, आप देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर मेरे हेयर्स हो गए, जो व्हाइट कलर की जो मेरे थोड़े हेयर्स होने लगे हैं थोड़े आगे से, तो उनका जो कलर है बहुत अच्छा आया, तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। तो अगर आप चाहते हैं इसको ट्राई करना तो आप ले सकते हैं, बहुत सस्ता है, और एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। सो बस यही था मेरा वीडियो, क्योंकि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।